वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट झज्जर में कंडक्ट हुए प्री बोर्ड के नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन। 21 मार्क क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेट स्टार, इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड एज। हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये पूछता है स्टार इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नाइदर कम्यूटेटिव नोर एसोसिएटिव। मतलब कुल मिलाकर हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी डिस्कस करनी है। तो आप सिंपल सी बात है कि जो एडिशन होता है हमारा वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का ऑपरेशन 100% अगर एडिशन है तो कम्यूटेटिव तो जरूर होगा। आप इसे टू स्टार बी लेकर भी देख सकते हो, लेकिन ये कभी भी एसोसिएटिव नहीं होगा। हम 1 मार्क के लिए कर रहे हैं, कोई एग्जांपल आपको देने की जरूरत नहीं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 लेके देखो, ब्रैकेट सॉल्व करनी है और इधर मैं सॉल्व करती हूं 1 स्टार 2 स्टार 3, देखते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में करवाया है। 1 स्टार 2 का मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और स्टार में 3, 1 प्लस 8 स्टार में 3 और 9 स्टार 3। 9 स्टार 3 का मतलब है 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा 729 और प्लस 27 और ये हो जाएगा 756। क्लियर, लेट अस चेक इट नाउ। अब हम इसको चेक करते हैं, 1 स्टार ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 स्टार 8 प्लस 27 और ये हो जाएगा 1 स्टार 35 और ये बनेगा 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब, जो कि कभी भी 756 के इक्वल नहीं आएगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि 35 का स्क्वेयर ही शायद 1225 होता है और उसका भी 35 से प्रोडक्ट करोगे तो दीज आर नॉट इक्वल। तो कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव है। इसकी जगह अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता तो वो भी कम्यूटेटिव होता, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होता। अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो वो कभी भी कम्यूटेटिव भी नहीं होता और एसोसिएटिव भी नहीं होता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो ए आई जे हमें गिवन है 1x2i-3j। हमें 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है ए, ठीक है। 3x2 का मतलब है 3 रो 2 कॉलम, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ठीक है। तो वैसे तो ये एलिमेंट्स आपको अलग अलग निकालने हैं, पर यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। 1 1 एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ। ये आपका ए आई जे है 1, इसके अंदर आप i की जगह भी 1 रखो और j की जगह भी। ये सब आपने ना जितना जल्दी हो उसके रफ में उतना जल्दी करना है एग्जाम में। तो ये बनेगा 1x2, i की जगह 1, j की जगह 1, 1 को 3 से गुणा करो -3, 1 -3 -2 का मोड बाय 2, 2x2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 आ गया। 1 2, अब 1 2 मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, तो यहाँ ध्यान रखना इस बॉक्स पर जहाँ मेरा ये आपकी मेरी फिंगर देख रहे हो यहाँ पर, तो 1x2 बाहर, i की जगह 1 -3 × 2, 1 -6, 1 में 6 गया -5, -5 का मॉडुलस 5, तो ये हो जाएगा 5x2 बन गया। इससे भी जल्दी करना है आपने। 2 1 की बात करूँ तो मैं देखो 1x2, i की जगह 2, यहाँ 1, 2 -3, 2 में से 3 गया, 1 का मॉडुलस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1x2। आगे चेक करते हैं, यहीं कर देती हूँ मैं थोड़ा सा इसको, a 2 2, तो यहाँ 1x2, 2 -3 × 6, 6 में से 2 गए 4, 4 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2। ए 3 1 की जब मैं बात करती हूँ तो ए 3 1, 1x2, आपने अभी ट्रिक भी सीखने की, कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कवर करना है। 3 -3 ये 0 आ जाएगा एंड एट लास्ट ए 3 2 यानी 1x2, 3 -6 ये आ जाएगा 3x2 और ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन जाएगा जो आपने वहाँ पर अपना लिख के आना है आंसर में। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 आर। तो देखो ये 5 रिलेशन हमारे यहाँ पर बनेंगे, ये हमें बनाकर देखने पड़ेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा सेट है 1 2 3, क्लियर है। तो यहाँ पर अब आप ये देखो कि 5 रिलेशन जो इक्विवेलेंस बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, 1 1 2 2
और भाई 3 3, ये हो गया हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एसिमेट्रिक है और अपना ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें, इसमें हमारे नो एलिमेंट्स होते हैं, तो 1 1, 2 2, और बेटा ये देखो 3 3। अगर मैं इसमें 1 2 ऐड कर दूं, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा, और 1 2 2 2 1 2 आ जाएगा। मतलब अब ये अपना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और अब इसी में आगे 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 2 1, तो मैंने अब इसमें 1 3 डाल दिया, तो मुझे साथ में 3 1 भी डालना पड़ेगा। और अब आप देखें जरा कि 1 3 3 3, तो ये भी हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हमारा ये नहीं है, क्योंकि 3 1 है, 1 2 है, तो इसमें 3 2 नहीं है, तो आपको 3 2 डालना पड़ेगा, और 3 2 के साथ आपको इसमें 2 3 भी डालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये अब आप यहाँ पर जरा क्रॉस चेक करें कि 1 2, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, 1 2 2 3, तो ये 1 3 आ गया, 2 1 1 2, तो 2 2 आ गया, 2 1 1 1 2 1 भी हमारे पास आ जाता, 2 1 1 3, तो 2 3 भी आ जाता, 2 3 3 1, तो 2 1 आ जाता है हमारे पास, 3 2 2 1, तो 3 1 भी हमारा यहाँ पर ये आ रहा है, तो एक हमारा जो है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन जाता है, 3 हो जाते हैं ये हमारे, ये तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब यहीं पर आप ये देखो, ये बीच में मैं छोड़ गई यहाँ पर, कि ये देखो ये था ना, इसी में 1 1 2 2 3 3, मैं जैसे मैंने 1 2 और 2 1 डाला था, अब 1 2 2 1 को छोड़ दो, मैं डाल देती हूँ 1 3 और 3 1, अब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसी में देखो, इसमें पहले मैंने ये 2 एलिमेंट डाले, फिर इसी में मैंने ये 2 एलिमेंट डाले, और इसी में मैं 2 एलिमेंट्स और डालने जा रही हूँ, 2 2 3 3, तो यहाँ पर अब मैं एक बार 1 2 हो गया, 1 3 हो गया हमारा, अब मैं यहाँ पर 2 3 और 3 2 और डालने जा रही हूँ, तो 3 तो हमारे ये हो जाते हैं, एक ये हो जाता है, और एक हमारा यूनिवर्सल जो पूरा का पूरा कार्टिजियन प्रोडक्ट है, तो टोटल हमारे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान देना है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 5 -2 सच दैट, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये बी है भाई, थोड़ा राइटिंग का मैं फिर कह रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, तो 24 है, ए आपका है 2 3 5 -2, और हमें ये गिवन है कि ए इनवर्स बी ए के इक्वल है, तो ए की वैल्यू आपने, बी की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो जल्दी से, -4 -15 -19 आ गया, नॉन जीरो आ गया, दूसरा निकाल दो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आपका क्या होता है, आपने ये ध्यान देना है कि 2 बाय 2 में हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर देते हैं, और इन दोनों का हम साइन चेंज कर देते हैं, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकाल दीजिए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -1 बाय 19, और एडजॉइंट है -2 -3 -5 2, इस माइनस को यहां अंदर एडजस्ट कर दो, ध्यान देना, तो ये हो गया 1 बाय 19, सारे माइनस हट जाएंगे, 2 3 5 और -2, क्लियर है। अब आप जरा ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ये सेम ए है, तो ये आ गया 1 बाय 19 ए, अब ध्यान देना ए इनवर्स आया है 1 बाय 19 ए, और यहाँ ये कह रहा है कि ए इनवर्स बी ए है, दोनों का जब आप कंपैरिजन करते हो तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय 19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ए गिवन है 2 बाय 3 और बी गिवन है 3 बाय 2, ए बी हमने निकालना है, तो डायरेक्ट हम ए बी पर ही चलते हैं, 2 3 4 -1 2 -5 1 3 -5 2 -4 6, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस माइनस -4 5 जा 20, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ मैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो, ध्यान देना, 2 2 जा 4 प्लस माइनस -12 प्लस 4 6 जा 24, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 प्लस 6 प्लस 25, और इसको इससे करो तो -2, ठीक है, -8 और -30, तो ये हो जाएगा, 9 और 2 11 में से 20 गए -9, 24 और 4 28 में से 12 गए आपका 16 आ जाता है, 6 में से 1 गए 5 और 25 30 हो जाता है, बहुत क्विकली करना है, और ये माइनस का 40 हमारा आ जाता है, तो आसान सा है।
ये प्रैक्टिस के लिए है भाई ये सब पेपर। अब आपके क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ गड़बड़ थी जो मैं लास्ट लेक्चर में कह रही थी कि गड़बड़ है, इसमें स्टेटमेंट में गड़बड़ है। ध्यान दें, इफ़ अ रिलेशन आर, रिलेशन क्या है उसमें ए बी के पेयर हैं और बी माइनस ए 2 से बड़ा है और बी 4 से बड़ा है, ये बी है भाई यहाँ पर, ये बी चल रहा है, तो इनमें से कौन सा पेयर है? 2 4 11 8 बी ए, और ये है 6 9 6 9 है भाई ये, और ये 5 9 है, बिलोंग्स टू आर। ये क्या कहता है कि वो पेयर जिनका डिफरेंस यानी बाद वाला में से पहले वाला घटाओ तो 2 आ रहा है, यानी कि b कितना हो गया a प्लस 2। यहाँ ध्यान दो ना, b a से बड़ा है यानी बाद वाला बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ तो बड़ा है नहीं तो ये कट गया, ये बड़ा है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 9 में से 6 गए 3, डिफरेंस तो 2 नहीं है, 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी 2 नहीं है, 4 बड़ा है 2 से, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो सकता है आंसर। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि b 4 से बड़ा है, तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 4, ये हमारी सारी कंडीशंस को पूरा करेगा, जो b है वो 4 या 4 से बड़ा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो r को बिलोंग कर रहा है, तो वो ये एलिमेंट आ जाएगा विद दिस कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इवैल्यूएट ई इज टू पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। अब मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं कि 1/x की डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होती है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो गुड़गांव वाला कराया था उसमें भी मैंने रूल बताया था कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश डी एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस में सी। तो ये बहुत ही वर्बल सा क्वेश्चन है, सारे ही बहुत आसान सा पेपर है वैसे ये। 28, द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ ये है कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डी एक्स। तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, कोसिकेंट को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, कोसिकेंट को कोटेंजेंट से करो कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स किसकी इंटीग्रेशन होता है? कोटेंजेंट की, कोटेंजेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट की डिफ्रेंशिएशन होती है कोसिकेंट कोटेंजेंट, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स इज, ये फिलअप है हमारे, तो वाई हमारा है टेंजेंट क्यूब एक्स यानी कि टेंजेंट एक्स की पावर 3, डेरिवेटिव निकालना है, पावर आगे ले आओ, टेंजेंट एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी और टेंजेंट एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 3 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू सी, टेंजेंट की होती है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, बिल्कुल सिंपल। 29 था ये, यस देखिए, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ है भाई यहाँ पर ना, क्वेश्चन नंबर 29 है ही नहीं, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 30, तो मैं भी यहाँ 30 डाल देती हूँ, एक क्वेश्चन कम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड 1 2 इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन केवल 1 1 है, इंजेक्टिव कहलाता है, केवल 1 2 है, सर्जेक्टिव कहलाता है, दोनों है तो बाइजेक्टिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पहले भी आ चुका है, इवेल्युएट माइनस π/2 to π/2 साइन 9x dx, इसी लेक्चर में, इसी पेपर में, इस टाइप का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। ये क्या बताया था, अगर ये ओड है, दोनों लिमिट सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितनी हो जाती है, 0। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 33, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट 2 4 7, सेट का नाम नहीं है तो मैं ए नाम दे देती हूँ, ये है सेट 2 4 7, इसमें ये आर नाम का एक रिलेशन आपको गिवन है, जो कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, थोड़ा राइटिंग भी समझ कम आ रही होगी आपको, 2 2 2 4 4 4, 2 2 2 4 4 4
7 7 4 7, ठीक है भाई। तो ये मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, 7 7 और 4 7, ये तीन ऑप्शंस यहाँ दे रहा है, चार, बल्कि देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है। लेट अस चेक। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब गिवन सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी 2 2 इसमें होना चाहिए जो कि ये रहा, 4 4 इसमें होना चाहिए जो कि ये रहा, 7 7 होना चाहिए जो कि ये रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव तो ये 100% हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक कब होता है? जब 2 का रिलेशन 4 से है, तो 4 2 का पेयर भी इसमें होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करूं तो 2 और 4 इसको बिलोंग कर रहे हैं, 4 और 7 भी बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 का भी 7 से रिलेशन होना था जो कि बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इफ ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, टाइप की बजाय यहां आना चाहिए सेम ऑर्डर, देन ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं, कभी नहीं होता, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल कभी नहीं होता, ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल बिल्कुल होता है, एडिशन कम्यूट करती है, हर चीज में करती है एडिशन कम्यूट, नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा एक ही ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, कि ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, क्लियर है। एडिशन तो हर फील्ड में कम्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा उसमें भी आया हुआ था गुड़गांव वाले सेट में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है पाई बाय टू। क्वेश्चन नंबर 36, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू फिलअप, तो ये आइडेंटिटी होती है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं तो ये सब मैं बार बार वहाँ यूज कर रही हूँ, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6, ध्यान देना है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट काट दो, 7π/6 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में हो, ठीक है, और टेंजेंट की वैल्यू हमारी होती है -90 to 90। तो इस पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, और वो आइडेंटिटी क्या होगी? टेंजेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय सिक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव होता है, 6 * 6 और 1 = 7, 7π/6 के मैंने टुकड़े कर दिए, पाई प्लस पाई बाय सिक्स, और ये हमारे पास प्लस वन में आइडेंटिटी होती है कि टेंजेंट पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के। तो इसके अब हम टुकड़े करेंगे, ध्यान देना, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में टेंजेंट थीटा यानी पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स माइनस 90 से 90 के बीच आ गया। अब टेंजेंट इनवर्स एंड टेंजेंट विल कैंसिल ईच अदर, और हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय सिक्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो, ए कोई मैट्रिक्स है, बल्कि ऐसे लिखो, इफ ए इज एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, सच दैट कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, देन ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 39, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, ए 1 4 0 2, देन एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल डायरेक्ट 2x2 का एडजॉइंट मैं अपने बच्चों को हमेशा डायरेक्ट बताती हूँ। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन इनवर्स वाले में भी बताया है, क्या करते हैं, इन दोनों को प्रिंसिपल डायगनल को इंटरचेंज कर दो और इस डायगनल के साइन चेंज कर दो, तो 4 का हो जाएगा -4 और 0 एज इट इज रह जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्री बोर्ड एग्जाम। एक्स है 2at² ध्यान देंगे, यहीं पर करा देती हूँ मैं, एक्स है 2at², ठीक है, और वाई है at⁴, तो हमें dy/dx निकालना है, वाई है at⁴, ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, dx/dt 2 × 2 = 4 at आ जाएगा, ये dy/dt 4 आगे at³ आ जाएगा, जो dy/dx है दैट इज द डिवीजन ऑफ दीज टू,
ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी हो गया 4at³/4at, टी क्यूब से टी को कैंसिल करोगे तो आपका आंसर टी स्क्वेयर आ जाएगा। और ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के प्री बोर्ड के 40 क्वेश्चंस थे बेटा, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करती हूँ। और अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है देन प्लीज़ डू शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू।